बोल सू? जी बेगम साहिबा। हमदान कमरे में? वो घर पे नहीं है। लेकिन उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो अपने किसी दोस्त के साथ घर से बाहर गए हैं। ठीक है, जैसे ही वापस आए उसे मेरे पास भेज देना। जी बेगम। जरा सोचो, तुम हमदान और अरिश्मा का रास्ता साफ कर रही हो। तुम उन्हें वजह दे रही हो कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रास्ता जोड़ सकते हैं, और इस बार फैमिली वाले भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। अब तुम कौन सा हमदान से तलाक चाहती हो? तुम तो उसे थ्रेट कर रही हो ना। अपने भाई को समझाओ कि वो अरिश्मा को ना छोड़े। अगर अरिश्मा को तलाक होती है तो तुम्हारा घर भी बसेगा नहीं। मुझे परेशान करती है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जरा सोचो। जब हमदान को नोटिस मिलेगा ना, तो उसका रिस्पांस तुम्हारी सोच से उलट भी हो सकता है। उसे नखरे मत दिखाओ। तुमने तो सिर्फ उसे तलाक की धमकी दे रही हो ना, और अगर उसने वाकई में तुम्हें तलाक दे दी तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। लाए मैं कर रही हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा। रेशमा नहीं है तो आपको बहुत से काम खुद करने पड़ेंगे। आपने जमाल अंकल की जॉब छोड़ दी? तुम्हें किसने बताया? अम्मी ने। क्यों, आप मुझसे छुपाना चाह रहे थे? नहीं, मैं चाहता था कि तुम्हें कोई टेंशन ना। शुक्रिया भाई। अगर आप मेरा इतना ख्याल रख ही रहे हैं तो। हाँ, मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरा मतलब है आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब जब उस फैमिली से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं तो मैं वहां कैसे जा सकता? ऐसे बात ना करें भैया। तुम कहना क्या चाह रही हो माया? भैया, जमाल अंकल के हम पे बहुत से एहसान हैं। मैं नहीं चाहती कि आप रिश्मा को छोड़ो। ये तुम कह रही हो माया? जी, मैं कह रही। कल तक तो तुम भी ऐसा चाहती थी कि मैं उसे छोड़ू, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई का घर खराब हो। मेरा घर तुम्हारी वजह से खराब नहीं हो रहा माया। मेरा घर मेरी बीवी की वजह से खराब हो। जो भी है, आपको रिश्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि वो खुद मुझसे अलग होना चाहती है? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती। फिर तुम कुछ नहीं जानती माया। मैं रिश्मा के घर गया था उससे बात करने, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो वहां हमदान के साथ थी। क्या हमदान वहां था? हाँ, अरिश्मा और हमदान वहां एक साथ मौजूद थे, इसलिए मैं कह रहा हूं जो फैसला तुमने और मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया। मुझे हमदान को बोलना होगा।